हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम फिर से वापस आए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ में, जो एक ट्यूटोरियल है ब्रदर के डीसीपी L2541DW के बारे में। इसमें एक भाई ने हमसे पूछा था कि एक ही पेज के दोनों साइड एक जैसी फोटोकॉपी एक से ज़्यादा कैसे निकाली जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि ये हमारा प्रिंटर है ब्रदर डीसीपी L2541DW, इससे हम आपको निकाल के दिखाएंगे एक ही पेज के दोनों साइड एक जैसी प्रिंटिंग एक से ज़्यादा कैसे करनी है। तो देखिए दोस्तों, ये मेरे पास एक PDF है, मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ओपन हो गई है। ये एक लाइन पेज है। ऐसे पेज हमें एक से ज़्यादा जब प्रिंट करने हो एक ही पेज के दोनों साइड, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें ऐसे ऐसे दो पेज चाहिएंगे, ठीक है। इस PDF में एक ही पेज है, तो पहले हम इसको दो पेज करेंगे। तो मैं बताता हूँ वो कैसे होगा। देखिए, गूगल क्रोम खोलेंगे हम। ये एक साइट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसको हमने ओपन करना है और यहाँ पे कंबाइन PDF पे जाना है। कंबाइन PDF पे जाके देखिए अपलोड फाइल करेंगे और हमें वो PDF सेलेक्ट करनी है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। वो PDF हमने सेलेक्ट की, ये अपलोड हो गई है। अब दोबारा से वही PDF एक बार और सेलेक्ट करनी है। ये इसलिए सेलेक्ट करनी है ताकि हमारे पास दो पेज हो जाएं एक जैसे, एक ही पेज के दोनों तरफ प्रिंट करने के लिए। तो कंबाइन ऑल पर क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये कंबाइन हो गया, डाउनलोड हो गया है। अभी ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये लाइन पेज आ गया है और इसमें ये दो पेज हो गए हैं। तो अब हम इन दोनों पेजों को प्रिंट करके दिखाते हैं। ये हम अपना PDF ओपन करते हैं। ये PDF हमने ओपन किया है दोस्तों। ये देखिए, अभी इसमें दो पेज हैं, ठीक है। अब हमें करना कुछ नहीं है, सिंपली 100% पेपर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि ये देखिए, ये दो पेज हैं इस पर। अभी सिंपली करना कुछ नहीं है, प्रिंट पे क्लिक करेंगे हम। और प्रिंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें जितनी कॉपी चाहिए हम वो टाइप करेंगे। हमें 10, मान लीजिए 10 कॉपी चाहिए मिसाल के तौर पे, तो 10 कॉपी 5 पेज के आगे पीछे आ जाएंगी। तो हमने 10 कॉपी यहाँ पे डाल दिया है और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं करना है। 10 निकालना है, 5 निकालना है, 15 निकालना है, वो हमने यहाँ पे टाइप करना है। और यहाँ पे देखिए प्रिंट ऑन बोथ साइड्स ऑफ पेपर है, इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिए, प्रिंट की कमांड प्रिंटर के पास चली गई है। और जब तक ये पेज प्रिंट होकर बाहर निकलते हैं, तब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिनको ये दिक्कत आ रही हो। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अच्छा, एक ऑप्शन आता है जब हम क्लिक करते हैं प्रिंट ऑन बोथ साइड्स पे, उसके बाद ऑप्शन आता है फ्लिप ऑन शॉर्ट एज और फ्लिप ऑन लॉन्ग एज। वो क्या होता है दोस्तों, वो मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ और अब भी बता देता हूँ कि जब हम फ्लिप ऑन लॉन्ग एज पे क्लिक करते हैं तो ये पोर्ट्रेट मोड में फ्लिप होगा। और जब हम क्लिक करते हैं अपना फ्लिप ऑन शॉर्ट एज पे, तब ये लैंडस्केप में फ्लिप होके निकलेगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमने जितनी कमांड दी थी ये सारी निकल के आ चुकी है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छे से जो है प्रिंट होके आ गया है हमारे पास। तो जैसा कि आपने देखा दोस्तों, हम एक ही चीज़ को पेपर के दोनों साइड एक से ज़्यादा प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं, आज के ट्यूटोरियल में आपने ये सीखा। और ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।